छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में गौशालाओं के संचालन और आवास गौशालाओं में शिफ्ट करने के संबंध में बैठक संपन्न हुई है। कलेक्टर जायसवाल ने अधिकारियों को अभियान चलाकर आवारा पशुओं को गौशाला में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट गौशालाओं से भी समन्वय कर पशुओं को शिफ्ट करें। भारत बंद का धमतरी के नगरी में व्यापक असर दिखा है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में नगरी के राजवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर में नगर में रैली निकाली। नगरी इलाके में नगरी सिहावा समेत ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें भी इस दौरान बंद रही। देवास जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हाट पिपलिया पुलिस द्वारा यात्री बसों को चेक किया गया है, जहां सवारियों को बसों की छत पर बैठाकर सफर कराया जा रहा था, जिसके चलते दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। रायबरेली में सलोन का अर्जुन पासी हत्याकांड मामले में करनी सेना ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। हत्याकांड में नामजद विशाल सिंह के समर्थन में एसपी दफ्तर का घेराव किया गया। कल राहुल गांधी मृतक अर्जुन पासी के परिजनों से मिले थे, जहां राहुल गांधी ने विशाल सिंह को मास्टरमाइंड बताते हुए उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत राधाकुंड बाईपास रोड पर जहां भू माफियाओं द्वारा पुलियाओं को दबाने के कारण बारिश से हो रही जलभराव की समस्या को लेकर किसान यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तथा क्षेत्र में हो रहे जलभराव के कारण फसलों में नुकसान को लेकर आक्रोश देखने को मिला है। आजमगढ़ जिले के थाना अहरौला क्षेत्र में युवती की हत्या की घटना का 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी अमित यादव मृतका से प्रेम करता था तथा दोनों काफी दिनों से बातचीत करते थे। अभियुक्त अमित यादव की शादी होने के बाद मृतका अभियुक्त से बातचीत नहीं करना चाहती थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने मृतका की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी। आज मझोली में पटवारी संघ ने निलंबित पटवारियों को बहाल करने के पक्ष में नायब तहसीलदार सुनीता मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। साथ में दूसरे ज्ञापन के माध्यम से बताया कि स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि पट्टा का सर्वे किया गया था, जिसका भुगतान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नहीं किया है, उसका भुगतान भी जल्द कराया जाए। छुरिया नगर आज सुबह से बंद रहा है। सुबह से होटल पानी ठेला दुकान बंद थी। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर क्रीमी लेयर वाले निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को छुरिया नगर पूरी तरह से बंद रहा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति नगर द्वारा रैली निकाली गई। नगर में आज लोग चाय पानी नाश्ता के लिए तरसते नजर आए। फरुखाबाद में भारत बंद का असर देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी के आह्वान पर दलित समाज ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान दलित समाज के पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी कर हंगामा काटा। साथ ही नारेबाजी की, जिसमें जो दलित हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर डटे रहे। अमरपुर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला है, जहां पर एससी एसटी आरक्षण को लेकर अमरपुर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज एससी एसटी महासभा के तत्वाधान में काफी संख्या में लोगों ने भारत बंद के आह्वान पर रैली निकालकर आरआई को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। बहराइच के नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किलोमीटर तक पैदल चलकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एसडीएम नानपारा अश्विनी पांडे को ज्ञापन सौंपा है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय महिला प्रदेश सचिव नसीबुल निशा ने बताया कि नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अपनी कुर्सी पर अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है देश भर में विरोध किया जा रहा है। वहीं पर इसका असर जो है सिवनी में भी देखने को मिला है, जहां पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर रैली निकालकर बंद को समर्थन दिया है, जिसका जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला। कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी एवं निर्मम हत्या विरोध में आज पन्ना जिले में उन्ना शिखर संघर्ष समिति नारी शक्ति प्रकोष्ठ पन्ना की छात्र छात्राओं के द्वारा सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, तहसीलदार पन्ना को ज्ञापन सौंपा। बसपा और भीम आर्मी चीफ के आह्वान पर आज सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ दिए गए निर्णय के खिलाफ पूरे देश में
तहत जो है श्रावस्ती में भी प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि किसी भी समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। आज दतिया में SC/ST आरक्षण में क्रीमिलियर लागू करने के संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने भारत बंद का ऐलान किया था। इस दौरान कई दलित संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में बाजार का भ्रमण किया एवं सरकार विरोधी नारे लगाए। किसी भी तनाव से बचने के लिए पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई थी। बीजापुर जिले में भारत बंद का सुबह से ही असर देखने को मिला है। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे। इस दौरान सरकारी व जरूरी संस्थाओं को छोड़कर सभी संस्थान बंद रहे। वहीं बसों के पहिए थमने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दलित समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बलरामपुर जिले में आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय में मुख्य बाजार सहित समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित रहे। वहीं जिले के विकास खंड स्तर पर कई जगह भारत बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला है। लोग जगह जगह पर सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शनकारी यूपी के फतेहपुर जिले में आज SC/ST आरक्षण बचाव को लेकर भारत बंद के आह्वान पर भीम आर्मी BSP सहित तमाम संगठनों ने सड़कों में जुलूस निकालकर भारत बंद का आह्वान किया। न्यायालय के फैसले का विरोध करते हुए दलित समाज के लोगों ने कहा कि OBC और SC/ST को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे बहुजन समाज के लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां पूरे देश में SC/ST समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, वहीं इसका असर खटीमा क्षेत्र में भी देखने को मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर पूरे खटीमा क्षेत्र में केंद्र सरकार के विरुद्ध रैली निकाली और तहसील परिसर में एकत्र होकर केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। बुधवार को दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। मसूरी में आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने मसूरी अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। साथ ही नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मिर्जापुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण को लेकर भारत बंद के आह्वान पर बसपा एवं भारत समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। अलग अलग जत्थे में पहुंचे आरक्षण समर्थकों ने किसी भी प्रकार के परिवर्तन की निंदा की और कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीतापुर में भारत बंद आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर आरक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। इस मामले पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला संयोजक राकेश राजवंशी ने कहा कि यह आरक्षण की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये लड़ाई कभी बंद नहीं होगी। SC/ST वर्ग के द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर सूरजपुर में देखने को मिला है, जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद दिखे हैं। वहीं SC/ST वर्ग के विभिन्न संगठन के लोगों ने रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। वहीं SC/ST वर्ग के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले, मांग पूरी नहीं होने पर आगे बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। दतिया की कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया, बाइक चोरों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। SP ने कहा जिले का सबसे बड़ा बाइक चोर गिरोह कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में है। मसूरी में संस्कृत महोत्सव के तहत मसूरी के विभिन्न हिंदी माध्यम के स्कूल के छात्रों ने मसूरी गुरुद्वारा चौक से गांधी चौक तक संस्कृत जागरूकता रैली निकाली है। इस दौरान छात्रों ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्तियां और स्लोगन की तख्तियां हाथों में ली हुई थी। छात्र छात्राएं लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। जंगल में भैंसों को चराने गए 64 वर्षीय बुजुर्ग की पोखर में डूबने से मौत हो गई है। ओखरिया पुरा निवासी छत्तर सिंह गुर्जर अपनी भैंसों को चराने जंगल में गया था, तभी उसकी भैंस पोखर में घुस गई। भैंसों को पोखर से निकालने के लिए जैसे ही बुजुर्ग छत्तर सिंह पोखर के पास गया, अचानक पैर फिसलने से पोखर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोटेगांव अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सतानंद सरस्वती जी महाराज का 66वें वर्धापन महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन विद्यालय
जोथेश्वर में अतिथियों द्वारा एवं छात्राओं द्वारा महाराष्ट्री का फोटो पूजन किया गया। इसके बाद गणेश वंदन की हरदोई में विभिन्न संगठनों ने मिलकर अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। वहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा है। प्रदर्शन में सपा बसपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हुए हैं। हरदोई में आज भारत बंद के समर्थन में पुरजोर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अंबेडकर की रहा स्थित पार्क में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। खरगोन में आज प्रदेश का सबसे बड़ा 56वां भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव का शिव टोला लाव लश्कर के साथ धूमधाम से निकाला गया। भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। कहा जाता है कि भादों की दूज पर श्रावण मास के समापन के बाद सिद्धनाथ महादेव विराजित होकर शहर में भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। प्रदेश के रतलाम जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर ही पलट गई और सारी रेत सड़क पर फैल गई। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर में सवार दो लोग घायल हो गए हैं। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एससीएसटी समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्टेट हाईवे 5 को अंतागढ़ के पास बाधित कर दिया, जिससे स्टेट हाईवे 05 पर पूरी तरह से जाम लग गया था, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतर कर जमकर नारेबाजी की। भाई बहन के प्यार और सम्मान का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया गया था। वहीं इंदौर में आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों ने भारतीय डाक विभाग के कार्यालय में डाक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों और पोस्टमैन को राखी बांधी है और उनकी दीर्घायु की कामना की है। डाक अधिकारियों ने कहा है कि ये बहनें हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं। आज बसपा द्वारा क्रीमिलेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा काफी बंदोबस्त किए गए थे। बसपा कार्यकर्ताओं ने लक्सर शिव चौक से लेकर तहसील कार्यालय तक पैदल मार्च किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। लक्सर में बाजार बंद का कोई असर नहीं रहा, बाजार पूरी तरह से खुला नजर आया। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमिलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका सिवनी जिले में भी व्यापक असर देखने को मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा सिवनी व विभिन्न संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतर कर रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महोबा में पानी भरने के दौरान हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। दबंगों ने पहले दंपत्ति के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। उसके एक दिन बाद दंपत्ति का पुत्र जब खेत से मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रहा था, तभी उसके ऊपर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को स्थानीय पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमिलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में विभिन्न संगठनों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका महगांव में भी असर देखने को मिला है। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा भिंड जिला पंचायत सदस्य राजवीर वकील व विभिन्न संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतर कर रैली निकालकर राष्ट्रपति। लक्सर कोतवाली के अंतर्गत पथरी थाना पुलिस ने बाकी हत्या करने वाले कालियोगी बेटे को गिरफ्तार कर मामले का चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी नशेड़ी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक कालियोगी बेटे ने अपनी मां को फावड़े और डंडे से वार कर मौत की घाट उतार दिया था और शव को बाथरूम में छिपाकर मौके से फरार हो गया। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व बीजापुर विधायक राजाराम तोड़ेम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 का फैसला एससी एसटी आरक्षण के उप कोटा तय करने की मंजूरी पर आहत होकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रति भेदभावपूर्ण निर्णय का आरोप लगाया है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर। कोलकाता रेप मामले को लेकर आज भी डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, जहां बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और सबकी एक ही मांग थी, जब तक सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं, पहले हमारी सुरक्षा हमें मुहैया कराई जाए फिर हम ड्यूटी पर जाएंगे। वहीं डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी।
कानपुर क्षेत्र के गांव केलनपुर निवासी धर्मवीर सिंह जब सुबह खेत पर काम करने के लिए रेलवे ट्रैक पार करने जा रहे थे तभी ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की मौत से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धार्थनगर जिले में एससी के अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में दिए गए डायरेक्शन के खिलाफ एससी एसटी संगठनों के साथ आजाद समाज पार्टी कांच श्रीराम के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालय का जोरदार प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ दावा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत बंद को लेकर विपक्षी दलों को घेरा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण कर रहा है जबकि केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर प्रावधान लागू नहीं होने देने का बात कही। चिरमिरी में बीते 65 साल से दंगल का आयोजन हो रहा है। रक्षाबंधन के बाद गुजरिया पर्व पर बड़ा बाजार दुर्गा समिति हर साल भव्य कुश्ती का आयोजन करती है। हाई स्कूल के पीछे योग मैदान में चल रहे दंगल में बतौर मुख्य अतिथि आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए हैं। उन्होंने दंगल में पहलवानों का स्वागत किया है। इस कुश्ती में बड़ी तादाद में पहलवान हिस्सा लिए हैं। छतरपुर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। बसपा और दलित संगठनों ने पूरे शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। दलित संगठनों ने दुकान को बंद कराया और दुकानों में तोड़फोड़ भी की। हालांकि प्रदर्शनकारियों के उग्र होने पर पुलिस जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अनूपपुर विजुरी में बसपा पार्टी के बैनर तले शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए थाने परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम विजुरी थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया है जिसमें बसपा पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी काफी संख्या में मौजूद रहे। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में आज दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ भारत बंद का आयोजन किया था। इस दौरान दलित संगठनों ने नगर में एक विशाल बाइक रैली निकाली है। रैली में प्रदर्शनकारी डीजे पर गानों के साथ अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते नजर आए हैं। रैली में बाइक और पैदल चलकर प्रदर्शनकारियों ने झंडे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने बड़े बड़े वादे कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा है कि उनकी पार्टी हरियाणा में केजरीवाल की गारंटी हर घर में रजिस्ट्रेशन करेगी। पाठक ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम पार्टी बड़ी रैलियां करेगी और केजरीवाल का विजन जनता के सामने रखेगी। रक्षाबंधन के बाद भोपाल में किन्नर समाज ने परंपरागत गुजरिया चल समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला है जिसमें बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग शामिल हुए हैं। मंगलवारा और बुधवारा के किन्नरों का जुलूस गुफा मंदिर पहुंचा जहां पर उन्होंने गुजरियों को विसर्जित किया है। इस दौरान सभी ने फिल्मी गाने पर जमकर डांस किया। एससी एसटी आरक्षण के फैसले के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। राजधानी भोपाल में भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफ चौराहे पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदोई में दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है जहां एक दलित बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की गई है। दरअसल गहोरा गांव में ग्राम पंचायत के अंतर्गत नाली निर्माण का काम किया जा रहा था। इस दौरान गांव के रहने वाले दलित बुजुर्ग ने नाली निर्माण को लेकर आपत्ति जाहिर की। इसी बात से खपा होकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और उसके भाई ने दलित बुजुर्ग को पकड़कर और फिर उसकी लात घूंसे डंडे से जमकर बेरहमी से पिटाई की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।